पश्चिम बंगाल में इंसाफ अब संविधान के तहत चलने वाली अदालतों से नहीं मिलता। ऐसे ही कंगारू अदालत के उत्पीड़न की तस्वीर सामने आई है हावड़ा के दो मजूर से, जहां पर सजा के तौर पर एक महिला के बाल बेरहमी से काटे गए, उसका उत्पीड़न किया गया और ये कोई इस तरह का पहला मामला नहीं है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक में खुली सड़कों पर कंगारू कोर्ट में ताजमूल उर्फ जेसीबी नाम का एक गुंडा एक महिला को बेरहमी से पीटता हुआ नजर आया था, जो टीएमसी से जुड़ा हुआ था और ममता बनर्जी के विधायक का खास था, जिस पर ममता के विधायक ने बड़ी बेशर्मी से कहा था कि मुस्लिम राष्ट्र में न्याय के कुछ अपने तरीके हैं। দুর্গ্রবাল হয়েছে এখন তো একটা আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে ও দুর্গ্রবাল হয়েছে এখন তো একটা আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রের সামাজিক আচার বিচার হয়ে থাকে। बंगाल में आम नागरिक तो छोड़िए, वो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, जिस पर आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। मालदा के मानिक चक के इनायतपुर में उग्र भीड़ ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया, पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की, जिसमें कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सोचकर देखिए कि जिस राज्य में पुलिस खुद की सुरक्षा ना कर पा रही हो, उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा हो, वहाँ करोड़ों आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी। और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के अपमान के लिए, खुलेआम अपराध के लिए इस तरह के हालात पैदा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं।